जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। क्या ब्रेकिंग न्यूज है, क्या अनाउंसमेंट है, सारी जानकारी दोस्तों हम इसी वीडियो में आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत दोस्तों आपको देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो का जरा सा भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप थोड़ी सी भी जानकारी इसमें लेने से चूक जाओगे तो दोस्तों योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाओगे। ठीक है, बहुत बड़ी योजना दोस्तों अनाउंस की गई है कन्या विवाह के लिए। दोस्तों फ्री यहां पे आपको 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, कन्या विवाह के लिए सीधे 4 लाख रुपये देने का प्रावधान कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके साथ ही दोस्तों हम बताएंगे कि यहाँ पे किन किसानों का, कौन से किसानों ने यहाँ पे कौन सी मिस्टेक की है, कौन सी गलती की है जिससे कि उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था आपको कि लिस्ट जारी केंद्र सरकार ने कर दी है, लेकिन आपको लिस्ट मिलेगी दोस्तों आने वाले सोमवार को। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए उस लिस्ट में कुछ देखने को मिला है, काफ़ी ऐसे किसान लोग हैं जिनका देखिए यहाँ पे कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या मिस्टेक की थी आवेदन करने में और क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई, वो हम सारी इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उससे दोस्तों सभी लेटेस्ट योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और दोस्तों अपने नामों की लिस्ट भिजवाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए लड़कियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्कूटी योजना चलाई है, जो कन्याएँ जो बेटियाँ जो बहनें हमारी अपने घर से दूर दोस्तों पढ़ाई लिखाई करने के लिए जा रही हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने स्कूटी योजना चलाई है। तो जिन भी कैंडिडेट ने, जिन भी गर्ल्स ने, जिन भी बहनों ने, बेटियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम हमें ज़रूर बताएँ, जिससे क्या होगा कि उनको स्कूटी मिलेगी दोस्तों बिल्कुल फ्री। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि उनकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, यदि उनकी उम्र 18 साल नहीं है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। लेकिन आवेदन करने में कुछ नहीं आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में यदि आपकी उम्र 18 साल से कम भी है तो भी आप आवेदन करिए, क्या पता शायद आपको मिल ही जाए स्कूटी। ठीक है, लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में नाम देने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। लाइक करने से क्या होगा कि आपकी हमें परमिशन मिल जाएगी जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यदि आप लाइक नहीं करोगे तो आपकी परमिशन, आपकी अनुमति के बिना हम आपकी जानकारी को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब देखिए बात करते हैं कन्या विवाह के लिए दोस्तों, जो 4 लाख रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे फ्री देने का वादा किया है दोस्तों, फ्री देने की घोषणा की है। जो कन्यादान योजना इन्होंने आज लॉन्च की है दोस्तों, उसमें आपको 4 लाख रुपये कैसे फ़ायदा ले लेना है ये हम कम्प्लीट प्रोसेस, कम्प्लीट जानकारी आपको बताने वाले हैं। देखिए आज के बाद ही आपको काफ़ी चैनल्स पर वीडियो देखने के लिए मिलेगी कन्या विवाह वाली, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम ही लेके आते हैं योजनाएं। जैसे कोई भी योजनाएं लॉन्च होती है तो सबसे पहले आप लोगों के लिए हम ही लेके आते हैं और आपकी तरफ से आवेदन भी हम ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको आवेदन करने की 2 प्रोसेस बताएंगे, जो जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो बताएंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो भी कन्या की शादी आप करने जा रहे हैं उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। यदि आप 18 साल से पहले शादी कर रहे हो तो आपको इस योजना को तो लाभ मिलेगा ही नहीं, लेकिन साथ में आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यदि 18 साल से पहले आप अपनी लड़की की, अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी कर रहे हो तो दोस्तों आपके घर में यदि कोई भी कन्या है तो आपको यह वीडियो कम्प्लीट देखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा कन्या विवाह के समय। और दोस्तों केंद्र सरकार की जो योजना एक बार लॉन्च हो जाती है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि दोस्तों लाइफ में कभी वह योजना बंद की गई हो। ठीक है, तो जो योजना एक बार आ जाती है वो हमेशा के लिए चलती रहती है। यहाँ पे केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको कन्या विवाह के समय आपके 4 लाख रुपये की आर्थिक धनराशि प्राप्त करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी कन्या है उसका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड में उम्र 18 साल होनी चाहिए, ये भी जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए उनका वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो जिस भी स्कूल या कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है आपकी बच्चियों ने, उनका वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड स्कूल या कॉलेज वाला या यूनिवर्सिटी वाला जो भी है तो वो चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए क्या चाहिए, उसके बाद में आपको अपना, जो भी लड़कियों के गार्जियन से अभिभावक हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दोस्तों आय प्रमाण पत्र आपको कम से कम आमदनी वाला, कम से कम वार्षिक आय वाला यहाँ पे बनवाना है। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद
आपकी जो कन्या है उनकी जो शादी का कार्ड होता है दोस्तों, जो भी कार्ड आप छपवाते हो, देखिए वो कार्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है, वो कार्ड भी दोस्तों आपको साथ में सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, जो फॉर्म हम अपने चैनल के थ्रू आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपको जाना अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र यानी CSC सेंटर पर दोस्तों, ठीक है। यह CSC सेंटर नहीं है तो इसमें आप अपने गांव के प्रधान या अपने शहर की कॉलोनी के प्रधान के थ्रू भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रधान आपके साथ नहीं है तो भी आप यहां पे अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके सीधे आवेदन करिए। अब देखिए जिन लोगों को भी वो फॉर्म चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, और यह फॉर्म आप एक बार ले ही नहीं, मान लीजिए आपको इसकी 2 साल बाद ज़रूरत है या 4 साल बाद ज़रूरत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें ज़रूर बताएं। सिर्फ अपना नाम देना है, यहाँ पे आपको अपने शहर का नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है आज, सिर्फ अपना नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता देना है जिससे कि दोस्तों हम आपको फॉर्म प्रोवाइड कर सकें। अब देखिए जो भी यहाँ कमेंट बॉक्स में नाम बताएं वह वीडियो को लाइक जरूर करें अपनी सहमति देने के लिए कि हम इस योजना से सहमत हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के बिना दोस्तों हमें आपकी परमिशन नहीं होगी आपको फॉर्म देने के लिए, तो ठीक है। वीडियो को जो भी लाइक करेंगे दोस्तों हम उनको फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, जिससे दोस्तों फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, आप अपनी कन्या की शादी में 4 लाख रुपए की आर्थिक धनराशि प्राप्त कर सकते हो। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी ये योजना चलाई है, काफ़ी हमारे भाई लोग ऐसे हैं जिनको शादी में काफ़ी प्रॉब्लम दोस्तों देखने को मिलती है धन की वजह से, रुपए की वजह से। तो यहाँ पे देखिए 4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, कोई छोटी बात नहीं है। तो यह 4 लाख रुपए आपको सीधे आपकी बेटी के बैंक अकाउंट में या आपके बैंक अकाउंट में जो आपकी बेटी के साथ लिंक होगा दोस्तों, जॉइंट खाता जिसे बोलते हैं, ऐसा खाता होगा या सीधे आपकी बेटी का जो खाता होगा वहाँ पे सीधे 4 लाख रुपए आपकी बेटी के शादी से पहले ही मिल जाएंगे। देखिए पहले ये मध्य प्रदेश सरकार में मात्र 51,000 रुपये चलाए जा रहे थे, ठीक है। तो 51,000 रुपये से केंद्र सरकार ने दोस्तों इस योजना पर ध्यान दिया है, और देखिए कांग्रेस के समय में ये मात्र 40,000 रुपये की धनराशि थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ा के सीधे यहाँ पे 4 लाख कर दी है। तो देखिए इतना अच्छा प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए कोई और हो नहीं सकता। ऑलवेज सपोर्ट बनाए रखिए, हमेशा सपोर्ट बनाए रखिए BJP को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिससे कि दोस्तों आपको आपके आर्थिक जीवन में काफ़ी मदद मिल रही है। अब देखिए बात करेंगे हम यहाँ पे किसानों की, किन किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। देखिए हमारे जो भाई लोग किसान हैं, जो गरीब किसान हैं या थोड़े मीडियम लेवल के किसान हैं, उनका यहाँ पे कंप्लीट कर्जा माफ़ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जिनके पास भी यहाँ पे 5 एकड़ से कम ज़मीन है या 5 एकड़ ज़मीन है, यहाँ कंप्लीट कर्जा, चाहे वो आपकी KCC हो, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको KCC बोलते हैं वो हो, चाहे वो आपकी भूमि विकास की लोन हो या कोई भी लोन हो, किसानों की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं, तो उनका जो है 5 एकड़ से कम ज़मीन वालों का या जो भूमिहीन कृषक होते हैं उन्होंने किसी टाइप का लोन ले रखा है, तो यहाँ पे कंप्लीट कर्जा माफ़ दोस्तों उनका किया गया है, ठीक है। और जो 5 एकड़ से ऊपर वाले हैं उनके यहाँ पे 2 लाख रुपये कर्जा माफ़ करने की स्कीम चलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखिए काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनका कर्जा माफ़ नहीं हो पाया है, तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, या तो उन्होंने आवेदन नहीं किया है, ठीक है। और दोस्तों आवेदन यदि आप नहीं करोगे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री जी आपके घर आपको उन योजनाओं का लाभ देने नहीं आएंगे, आवेदन तो आपको करना ही होगा। अब मान लीजिए 4 लाख रुपए जो कन्या विवाह के लिए मिल रहे हैं इनमें आपको अपना आवेदन करने में कुछ नहीं जा रहा, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना नाम और अपने शहर का नाम हमें दें, जिससे कि हम आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा दें, ठीक है। और दोस्तों ये जो फॉर्म लेने के लिए कन्या विवाह का जो फॉर्म मिल रहा है ये बिल्कुल फ्री हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ नीचे अपना नाम देना है और वीडियो को लाइक करना है, जिससे कि हम आपको ये फॉर्म जो है प्रोवाइड कर सकें। अब देखिए किसान भाइयों से जो भी मिस्टेक हुई है, जो उनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, एक बार से फिर से उन्होंने केंद्र सरकार ने उनके लिए योजना जो है सम्मिलित होने के लिए दोस्तों एक बार उन्हें चांस और दिया है, तो दोस्तों आप फटाक से आवेदन करिए अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके। मैं इसके आवेदन की प्रोसेस अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, वह वीडियो जाके आप चेक करिए। यदि नहीं भी कर रहे हैं तो दोस्तों आप जो है कहीं से भी CSC सेंटर से भी जानकारी ले सकते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आप वही वीडियो चेक करिए, CSC सेंटर से जानकारी लीजिए, लेकिन नहीं मिल रही है तो आप क्या हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम दें, जिससे कि दोस्तों हम आप सभी की लिस्ट बनाकर भेज दें, और जो भी यहां पे किसान भाई रह गए हैं बिना आवेदन वाले उनका भी दोस्तों यहां पे कर्जा माफ हो जाए। तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, सारा कर्जा आपका माफ हो जाएगा यदि आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन है तो।
चलिए बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात यह है कि जो लोग इन योजनाओं को सीरियस नहीं ले रहे हैं, आवेदन नहीं कर रहे हैं, वह कभी इन योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपके 100 रुपये, 50 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये कुछ लग रहा है आपको आवेदन करने में, तो आप जो है सोच रहे हैं कि कहीं पैसा वेस्ट ना हो जाए। यहाँ बिल्कुल फ्री है, यदि आप अभी भी आवेदन नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी किसान दोस्तों यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, जो भी अपनी बेटियों की शादी के लिए दोस्तों यहाँ पे 4 लाख रुपये लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें कि हम आपकी जानकारी, आपकी लिस्ट को आगे बढ़ाएं। अब देखिए दोस्तों, स्कूटी योजना, एक परिवार में एक नौकरी योजना दोस्तों, और देखिए बेरोजगारी भत्ता, या काफ़ी सारी योजनाएं दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी योजना का नाम हमें ज़रूर दें, जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ाएं और आपको दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा पहुँचवाएं। अब देखिए जो लोग भी यहाँ पे जो अपने कमेंट्स दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं अच्छी तरह से दोस्तों, जो कमेंट लिख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को दोस्तों डेली के डेली यहाँ पे पिक करके और आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जो लोग भी यहाँ पर, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, यदि आपको अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो आपको सबसे पहले लाभ मिलेगा, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि आपको लेटेस्ट योजनाओं के बारे में और इन योजनाओं से कोई भी अपडेट आ रहा है तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।